बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम की लड़का के प्लेटफॉर्म से आपके लिए ये कल जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, इंस्पेक्टर बीपीएस 16 ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयज मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जो कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं मैं देख लेते हैं इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितने लोग हैं टोटल इसके अंदर पास हुए हैं। टोटल 88 लोग पास हुए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से। सबसे पहले इसकी रेफरेंस नंबर 30/2020 है, और उसके अलावा इस्लामाबाद 15 January 2021, ये डेट इस डेट को उन्होंने पब्लिश किया होगा। इसके अलावा इसका एड्रेस है आगा खान का, हेड ऑफ का इनका एड्रेस है। उसके अलावा उनकी ईमेल एड्रेस है इसके अंदर। ये नोटिस फॉर द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद लिखा, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू दियर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंट अपियरिंग इन द MCQs स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द सब्जेक्ट पोस्ट। द फॉलोइंग 88 पास कैंडिडेट हुज नेम एंड रोल नंबर हैज़ बीन गिवन आर एडवाइज टू फर्निश द टेस्टेड कॉपी with name stamp of attestation officer of requisite document given below by registered post/courier forthwith but not later than 15 days 28 latest by 29 January 2021 of placement of this notice on Federal Public Service Commission FPSC website to determine their eligibility। बोल रहे 29 January 2021 तक ये जो भी इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ये FPSC को मतलब पहुँच जाने चाहिए, कुरियर के ज़रिए भेजे, TCS भेजे, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से भेजे हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर इस तारीख से पहले पहले तक इनको पहुँच जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या है, बायो डेटा फॉर्म ड्यूली साइन एंड फिल कम्प्लीटली ऑलरेडी इनक्लोज अटैच विद नोटिस इशूड बाय रजिस्ट्री पोस्ट /email। ये बायोडाटा फॉर्म है जो कि क्या कहते हैं आपकी ईमेल, जो लोग पास हुए उनकी ईमेल एड्रेस पे भी आ गया होगा। इसके अलावा ये FPSC वाले ने लेटर के साथ भी आपके घर पे भेजा होगा जो लोग पास हुए हैं। 2 फोटोग्राफ्स मतलब 2 तस्वीरें लगेंगी इसके अंदर। इस ये हो फॉर्म है, इसको फिल करेंगे आप, 2 तस्वीरें लगाएंगे, कंप्यूटराइज शिनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएंगे, मैट्रिक सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ वो सर्टिफिकेट लगाएंगे, इसमें डेट ऑफ बर्थ है जिसको पक्का सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, इशूड बाय द बाय सेक्रेटरी एस वही BIAC जो भी बोर्ड होगा। रिजल्ट कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट इशूड बाय सेक्रेटरी, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी लगाना है लेकिन रिजल्ट कार्ड नहीं लगाना, सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट मार्क सर्टिफिकेट लगा दें, पास सर्टिफिकेट लगा दें। सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय HSC 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन लेबर मैन पावर एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विस टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग प्लानिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट
ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें मतलब लगानी है। चलो रिजल्ट कार्ड स्लेश ट्रांसक्रिप्ट डीएम डीएमसी एक्सेट्रा ऑफ बैचलर मास्टर डिग्री शोइंग सीजीपीए ग्रेड डिवीजन एंड एग्जैक्ट डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड अबव डिग्री इफ एनी। जो जो है रिक्वायरमेंट मास्टर ये भी वो इसके अंदर मतलब लगानी है। रिजल्ट कार्ड ट्रांजिट ट्रांजिट जो ये इसके अंदर लगानी है, इसके और सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी होता है सबका अपना अपना अलग अलग होता है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट परमिशन सर्टिफिकेट कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट इशूड बाय एन ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ द कंट्रोल डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट के पहले से एम्प्लॉय हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मतलब हर तरह से मुकम्मल हो, इशूड किया हो अथॉरिटी का, ऑफिस का, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट का, वो लगाएंगे। एनओसी लगाएंगे, एनओसी भी अटैच करेंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। इसके अलावा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम एचएससी इन केस ऑफ पजेसिंग फॉरेन डिग्री और डिग्री अदर देन द एडवर्टाइज वन। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लगाएंगे जो कि एचएससी से होगा इन केस ऑफ पजेसिंग फॉरेन डिग्री और डिग्री अदर देन एडवर्टाइज वन। अभी लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं के भी लोग हैं जो पास हुए हैं, पंजाब के हैं, AJKK हैं और सेंट रूरल के हैं, पंजाब के हैं, बलूचिस्तान KPK सेंट रूरल सेन अर्बन का कोई भी नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादातर सेन रूरल से ही है। एज पर पैरा 16A ऑफ द जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट ओनली 33 टॉप मेरिट एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। इसमें 33 लोगों को मतलब इनके FPSC का जो पैरा नंबर 16A ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट है, इसके इसके 33 इसमें 33 टॉप मेरिट लेवल कैंडिडेट को वो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू, मतलब इन 88 के अंदर से भी 33 को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। दे आर क्वेश्चन डेट रिक्यूजिटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ दियर एलिजिबिलिटी शैल नॉट वेस्ट एनी राइट इन देम फॉर द पोस्ट until they are shortlisted on the basis of merit and relevant provincial / regional quota. In case any of the candidate failed to submit these document within stipulated period, their candidature for the captioned post shall stand rejected and no ALIBI और SQs shall be enter subsequently। ये लेटर जो इशू किया है ये आफ्ताब अहमद खान जो कि डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इन्होंने किया है और इन्होंने कॉपी वेबसाइट मेजर IIT फेडरल पब्लिक सर्विस इस्लामाबाद फॉर अपलोडिंग ऑन FPSC वेबसाइट, क्योंकि FPSC की वेबसाइट पे ये था रिजल्ट की कोई डिटेल, जो कि इंस्पेक्टर
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ओवरसीज एम्प्लॉयज, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी। उम्मीद करता हूँ जिनका है और ये जो ये मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या इसको सुन रहे हैं तो वो लोग जल्दी करें और वक्त पे ये चीज़ें पहुँचाएँ ताकि इंटरव्यू का प्रोसेस आसान हो सके उनके लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।